नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। आज सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री के तेवर की। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला और जमकर निशाना साधा है। हाथरस कांड को लेकर समाजवादी पार्टी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरसे हैं और एक बार फिर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार समाजवादी पार्टी के साथ ही अपराधी क्यों नजर आते हैं, हर अपराधी के साथ समाजवाद शब्द क्यों जुड़ता है। तकरीबन डेढ़ घंटे से ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा में सवालों का जवाब दे रहे थे और इस वक्त जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष सबसे ज्यादा हमलावर है, हाथरस को लेकर लगातार विपक्ष जहां सवाल खड़े कर रहा था, वहीं एक बार फिर से आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़ा हुए तो उन्होंने एक के बाद एक सवालों के जवाब दिए और हाथरस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़ा किया है। तो समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला है। हाथरस पीड़िता को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कोशिश ये कर रही थी कि सरकार पर सवाल खड़े किए जाए, सरकार पर हमलावर हो, खुद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर हमलावर नजर आ रहे थे। लगातार समाजवादी पार्टी का छोटा से बड़ा नेता इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने विधानसभा से सभी सवालों के जवाब दिए हैं। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े किया और कहा कि हर अपराधी के साथ समाजवाद शब्द क्यों जुड़ जाता है। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी ने इस दौरान क्या कुछ कहा है वो आपको हम सुनवाते हैं। ये कौन सी स्थिति है, ये कौन सी मजबूरी है? मैं वही कह रहा हूं ना, ये के साथ है। अरे आज वहां पे कोई रैली आपकी आज रैली है ना कोई टोका टोकी हो रही है। जब संसद में जब विधानसभा में सत्य प्रलाप होगा ये जो उसका बात कर रहे हैं ये भाजपा के सांसद के साथ बैठे हैं। मैं यही पूछना चाहता हूँ, आज वहां पे समाजवादी पार्टी की एक रैली है और रैली के पोस्टर उस अपराधी के द्वारा लगाए गए हैं और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ लगाए गए हैं, ये क्या साबित करता है? होल्डिंग और जो पोस्टर वहां अलीगढ़ में लगे हुए हैं किसके हैं और क्यों लगाए गए, कैसे लगा दिए गए? बाकी लोग क्यों चिल्ला रहे? एक दिन में नहीं लगे हैं, आज इनका सम्मेलन है वहां पर और उस सम्मेलन में मैं गाली नहीं देता तो कल हाथरस में भी साबित हुआ है। कल सोशल मीडिया में दिन भर चल रहा था कि टोपी वाला कौन, ये हाथरस की घटना ने कल इस टोपी के बारे को इस टोपी को फिर से कटघरे में खड़ा किया है। कल हाथरस में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, क्या समाजवादी पार्टी का उस अपराधी से कोई संबंध नहीं है क्या? और क्या हर अपराधी के साथ समाजवादी शब्द क्यों जुड़ जाता है? मैं यही पूछना चाहता हूं, क्यों जुड़ जाता है? ये कौन सी स्थिति है, ये कौन सी मजबूरी है? मैं वही कह रहा हूं ना, ये के साथ है। अरे आज वहां पे कोई रैली आपकी आज रैली है ना कोई टोका टोकी हो रही है। जब संसद में जब विधानसभा में सत्य प्रलाप होगा ये जो उसका बात कर रहे हैं ये भाजपा के सांसद के साथ बैठे हैं। मैं यही पूछना चाहता हूँ, आज वहां पे समाजवादी पार्टी की एक रैली है और रैली के पोस्टर उस अपराधी के द्वारा लगाए गए हैं और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ लगाए गए हैं, ये क्या साबित करता है? मैं गाली नहीं देता।
विधानसभा में बोल रहे थे, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही थी समाजवादी पार्टी की ओर से। हाथरस के मामले को लेकर राज्य सरकार और विशेष तौर पर राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाने की कोशिश हो रही थी। लगातार हमलावर था विपक्ष, लेकिन आज जब मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े हुए तो उन्होंने एक एक मुद्दे को लेकर, एक एक पॉइंट को लेकर उन्होंने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया है। समाजवादी पार्टी पर काफी तीखा हमला बोला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि जो समाजवाद की बात होती है, जिस समाजवाद की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ने की बात करती है, मुख्यमंत्री ने उसी समाजवाद पर हमला बोला है और पूछा कि आखिरकार क्यों हमला समाजवादी पार्टी का जो नेता है, जो समाजवाद जो भी अपराधी होता है उसके साथ समाजवाद क्यों जुड़ा होता है। ये जो तस्वीर है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, इन्हीं तस्वीरों को लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष की ओर से भी हमला किया जा रहा है, सरकार की ओर से भी। अब सरकार इस मुद्दे को लेकर आज जब मुख्यमंत्री खड़ा हुए तो नेता प्रतिपक्ष की ओर से भी कुछ तस्वीर दिखाई गई, लेकिन ये जो तस्वीर आप देखिए, जो मुख्य आरोपी है वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ नजर आ रहा है, और इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने इन्हीं तस्वीरों को आधार बनाकर हमला बोला समाजवादी पार्टी पर और उनके आरोपों का जवाब दिया है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया की जो तस्वीरें होती है, और ये जो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, इन तस्वीरों को देखिए। यही तस्वीर आज पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है, और इन्हीं तस्वीरों को लेकर अब हाथरस मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जो मुख्य आरोपी गौरव है, समाजवादी पार्टी का वो कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें हैं। एक और ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए रुतबा है उसका, और ये शिवपाल यादव हैं। अपनी पार्टी इन्होंने जरूर बना ली है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो परिवार है उनके साथ इनका क्या ताल्लुक है, उत्तर प्रदेश और देश को बताने की जरूरत नहीं है। ये तस्वीर आप देखिए, शिवपाल यादव, और इस तस्वीर के बारे में बताया जा रहा है कि जब समाजवादी पार्टी के साथ थे, जब उन्होंने नई पार्टी नहीं बनाई थी, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। शिवपाल यादव के साथ नजर आ रहा है हाथरस मामले का मुख्य आरोपी। और कुल मिलाकर कहें तो ये अब तस्वीरों से ये साफ है कि समाजवादी पार्टी के साथ उसका जुड़ाव रहा है। कि किसी एक नेता के साथ कभी भीड़ के तौर पर नजर आना एक अलग बात होती है, लेकिन जब उस कार्यक्रम में, जब अगर कोई कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का है, वहां पर आप नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, जो हमने एक जो गोल लाल रंग का जो घेरा हमने लगाया है उसको आप पढ़िए, उसको पढ़कर आपको अंदाजा हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी और जो आरोपी है गौरव सोंगरा, इनके बीच क्या संबंध है। ये उसका फेसबुक का प्रोफाइल है और उसका स्क्रीनशॉट आपको हम दिखा रहे हैं। इस स्क्रीनशॉट को देखिए और आप ताल्लुक खुद निकालिए। और इसे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ आदित्य द्विवेदी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं नवीन श्रीवास्तव, और केपी श्रीवास्तव है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले आदित्य, आप बताइए, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से हमलावर हो रही थी हाथरस मामले को लेकर, कल मुख्यमंत्री को हमने सुना और देखा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री हाथरस मामले को लेकर सीधे सीधे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो वर्तमान मुख्यमंत्री पर हमला बोल रहे थे, ये मामला समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, ये मामला भी यूटर्न ले चुका है। जी हां, आज में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया और एक एक करके उन्होंने जवाब देने शुरू किए। उससे इतना तो साफ हो गया है कि भाजपा समाजवादी पार्टी के हर जवाब का, हर सवाल का जवाब देने को तैयार है,
और आज विधानसभा में मुख्यमंत्री उसी मूड में दिखे, उन्होंने स्पष्ट किया, वो फोटो भी दिखाई और वो जो सोशल मीडिया पे सारी चीजें वायरल हो रही हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि आखिरकार उन अपराधियों से समाजवाद का क्या रिश्ता है, समाजवादी पार्टी उनसे क्या रिश्ता रखती है। और इसके अलावा उन्होंने एक एक उपलब्धियां भी गिनाई। बजट की अगर हम बात करें तो बजट सत्र पर जो समाजवादी पार्टी या विपक्षियों ने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की थी, उस पर भी उन्होंने एक एक करके जवाब दिया कि आज प्रदेश दूसरी अर्थव्यवस्था बन चुका है, गन्ना किसानों का भुगतान 2011-12 का 17 तक दिया गया है। और तो इस तरह से जो जिस फॉर्म में आज योगी थे, तो उन्होंने अपने जवाब से पूरी तरह से विपक्ष को धराशायी किया, और खास तौर से उनके टारगेट पर आज समाजवादी पार्टी रही, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव रहे, और उन्होंने ये स्पष्ट करने की कोशिश की। आज फिर से उन्होंने वो टोपी वाली बात छेड़ी कि ये स्पष्ट हो चुका है कि इस टोपी का सीधा संबंध अपराधियों से है। जी धर्मराज, आदित्य केपी श्रीवास्तव है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और केपी श्रीवास्तव साहब, जिस तरीके से हाथरस मामले को लेकर आपकी पार्टी हमलावर थी सत्ता पक्ष को के ऊपर, खास तौर पर आपके टारगेट पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, लेकिन अब ये मामला कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल खड़ा कर रहा है, क्योंकि जो आरोपी है उसका सीधा ताल्लुक आपके दल से नजर आ रहा है। धर्मराज जी, पहली चीज तो ये कि मैं केपी श्रीवास्तव नहीं, कपी श्रीवास्तव हूं, उसको सही कराइए। ठीक है सर। दूसरी चीज मैं आपको एक बात कह दूं। जी बताइए सर। पार्टी से संबंध हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो आपको कह रहे हैं कि हमारा वो कोई कार्यकर्ता नहीं है। जबरदस्ती किसी ने पोस्टर अगर छाप लिया हो तो उससे वो हमारा कार्यकर्ता, हमारा पदाधिकारी नहीं हो जाएगा। और दूसरी बात, ये कौन कह रहा है, किसी ने कहा है कि उसको आप सेव कीजिए, तो ये किस तरह की बात हो रही, किस तरह की पत्रकारिता है? सारी चीजें तो इनसे पूछी जानी चाहिए, नवीन भाई बैठे हुए हैं। सर सर सर, कोई भी अपराध करे, नहीं चाहे वो समाजवादी पार्टी का नेता हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बसपा का हो, सरकार को माकूल कार्रवाई करनी चाहिए। और प्रिवेंशन की कार्रवाई क्यों नहीं किया, जब 354 के अंतर्गत वो बंद हुए थे 2018 में, तो उस समय वो बेल पे बाहर कैसे आ गए? इसके मतलब पत्रावली पे सक्षम सबूत पेश करने में योगी सरकार विफल रही। और दूसरी चीज, छूटने के बाद जब वो धमकी देने लगा उस बिटिया को कि तुम केस उठा लो, उसने पुलिस को सूचना दी, बावजूद उसके स्टेट केस होने के बाद योगी सरकार ने ये जमानत कैंसिलेशन क्यों नहीं मिल किया, जमानत कैंसिलेशन क्यों सर, नहीं मिल किया, 116 की कार्रवाई क्यों नहीं सुनिश्चित की, 151 सीआरपीसी में गिरफ्तारी क्यों नहीं की? ठीक है सर सर, कल्प्रिट खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सर। कपीश श्रीवास्तव सर, एक मिनट, ये सीआरपीसी आईपीसी ये बातें नहीं है, क्योंकि मामला सर एक मिनट, सर आपने बोला सर, आप लगातार बोल रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। आपने कहा पत्रकारिता, आपने मेरे ऊपर सवाल खड़ा किया, सब पहली बात। दूसरी चीज, अगर अपराधी है तो उसमें फिर दल नहीं आना चाहिए, दल तो किस कहां से आ रहा है? एक सर सुन लीजिए सर, प्लीज उस बिटिया को न्याय दिलाना है। सर सर, आपने मेरे पे क्वेश्चन मार्क खड़े किए ना सर, आपने सर, आप ये तो अटैक इज द बेस्ट डिफेंस में भारतीय जनता पार्टी है, जानबूझ करके वो एंगल दे रही है कि इतनी भयावह समाजवादी पार्टी के साथ कोई अपराधी नहीं जुड़ा हुआ है, तो सर सत्य करा रही है सर, समाजवादी पार्टी के साथ अपराधी नहीं जुड़े हुए हैं सर, समाजवादी पार्टी के साथ अपराधी जुड़े हुए हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं जुड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, मतलब पाक साफ है आपकी पार्टी। ठीक है, जो इनके 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 देवमणि द्विवेदी जो इनके विधायक सर सर एक मिनट सर, कपीश श्रीवास्तव सर, आप अगर ये ऐसा 302 के मूलजीत तो माननीय सर, ये सर सर ये ऐसा इशू है ना कपीश श्रीवास्तव सर, एक मिनट, ये ऐसा इशू, ये प्याज की तरह है, आप इसको जितने सर आप ये जितना खोलिएगा उतना खुलेगा सर, ये आप पर ही बन जाएगा मामला। मोहम्मद गौस की हत्या का सर, कहां आप जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, उतना उतने नहीं सर, पूछा हमारी पार्टी से अपराधियों का, नहीं नहीं सर, आप ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से पाक साफ है, समाजवादी पार्टी के साथ किसी अपराधी का कोई ताल्लुक नहीं है, आप ये कह रहे हैं? कोई ताल्लुक नहीं है इस मामले में, तो बिल्कुल नहीं। खुद ही न्याय के लिए उस बिटिया के पास जाएंगे, और सरकार से डिमांड है
कि तुरंत गिरफ्तारी सुनिश्चित कीजिए और प्रिवेंशन जो आपने नहीं किया उसके लिए क्षमा मांगिए उस बेटी के परिवार से, ठीक है, साथ में उस पुलिस वालों के ऊपर। ठीक है, ठीक है सर, एक मिनट जी, नवीन श्रीवास्तव, एक मिनट, ठीक है सर प्लीज, कपिश नंबर करने के लिए कह दिए। नवीन श्रीवास्तव, सारे जो अपराधी हैं वो आपके दल में हैं, आपकी पार्टी पूरी तरीके से अपराधियों को संरक्षण देती है, ये आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से आपकी तरफ आ रहा है। दूसरा आरोप आपके तरफ है सर कि आपकी सरकार है, अगर वो अपराधी था, उस पर मामला था, तो आखिर उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? देखिए, निश्चित रूप से जब 2018 में उसने पहली बार घटना की, उस मीडिया के साथ अभद्र व्यवहार किया, उसका उत्पीड़न किया, मुकदमा लिखा गया, वो जेल भेजा गया, वो जमानत पर छूट के बाहर आ गया, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं से जुड़े हुए मामलों के त्वरित सुनवाई के लिए उत्तर प्रदेश में 200 से अधिक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रही है, जिसमें 83 कोर्ट में सुनवाई भी शुरू हो चुकी है। हम लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जो इस प्रकार के मामले हैं उसमें शीघ्र ट्रायल हो, सजा हो, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हुए यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार, इस प्रकार की घटनाओं में एक महीने दो महीने के अंदर आरोप सिद्ध हुए हैं, अपराधियों को उम्र कैद, आजीवन कारावास, 10 लाख का जुर्माना, 5 लाख का जुर्माना, ये सारी चीजें हुई हैं। ठीक है सर, अभी मैं कपीश जी की बात सुन रहा था, क्योंकि कपीश जी वकील हैं, इसलिए सीआरपीसी आईपीसी सबकी धाराओं की बात किया। मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, अगर उसमें पुलिस अधिकारी कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य निर्वहन में शिथिलता बरती गई है, तो हमने उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए हैं, उनको भी हमने जेल भेजा है, और लगभग 1000 के करीब ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं कर रहे थे, उन्हें हमने अनिवार्य सेवानिवृत्ति करके घर भी भेजा है। रही बात की गुंडे कहाँ है, कैसे है, यह सर्वविदित है। कपीश जी, लाल टोपी और नीली टोपी की आड़ में जिस प्रकार से जालीदार टोपी वाले अपराधियों को पिछली सरकारों ने संरक्षण दिया, वह सर्वविदित है। ठीक है, चलिए सर, उस पे नहीं, नवीन जी उस पे नहीं जाते सर, बहुत सर पुराने मामले पे नहीं जाते हैं। आदित्य जी भी, आदित्य द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। सर एक मिनट, आदित्य, ये एक बड़ा कॉमन चीज नजर आता है सियासी दलों में, कोई घटना होती है तो उसका राजनीतिक दल है तो राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश जरूर होती है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में अगर मैं, आप लखनऊ में हैं, इस पूरे मामले को बेहतर तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से आगे पीछे की बात कर रहे हैं, उन घटनाओं को भी आपने देखा होगा, ये मामला क्या समाजवादी पार्टी के लिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी उठा रही थी कल तक, और अब जो स्थिति, जो मामला है, वो अब कई समाजवादी पार्टी के लिए ड्रॉबैक बनता नजर आ रहा है? और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भले ही अभी कुछ बोल रहे हो, लेकिन जिस अंदाज में सोशल मीडिया में फोटो वायरल हुई है समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ में, तो उसको ये नकारा नहीं जा सकता है। भले ही उन्होंने समाजवादी पार्टी को सदस्य न मान रहे हो, लेकिन उसकी जो सक्रियता है, जिस अंदाज में उसने वहां पर पोस्टर्स लगवा रखे हैं, जिस अंदाज में वो लगातार समाजवादी पार्टी के अधिवेशनों में उसकी जगह जेल में योगी सरकार से क्वेश्चन होना चाहिए, सर बोले एक बार कहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? आदित्य एक मिनट, सर सब मत बोलिए, सब मत बोलिए, समाजवादी पार्टी दिखाई दे रहा है, जवाब दे दीजिए सर, एक मिनट कपीश जी, आज जो मुख्यमंत्री ने आपको बोला आपकी पार्टी पर कि हर अपराधी के साथ समाजवाद क्यों जुड़ा होता है, आपकी टोपी पर सवाल खड़े किए, 307 के लोगों की हम बात नहीं बुरा मानते, हम 302-307 के लोगों की, चलिए सर, आप सर आम लोगों को आईपीसी सीआरपीसी से मतलब नहीं होता सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य, आप इस पे जुड़े, और नवीन श्रीवास्तव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कपीश श्रीवास्तव साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब समाजवादी पार्टी इस मामले को लेकर जरूर डिफेंसिव है या और ज्यादा ऑफेंसिव होगी, इसके थोड़ा इंतजार करना होगा।